अध्याय तीन कर्म योग श्लोक नंबर 36। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, बिना इच्छा के भी व्यक्ति पाप कर्मों की ओर क्यों आकर्षित हो जाता है? ऐसा लगता है मानो उसे बलपूर्वक ऐसे कर्मों में लगाया जा रहा हो। कृष्ण डिवोरीज, इसमें अर्जुन जी ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है हम सब के लिए भगवान जी से। क्या पूछ रहे हैं वो? भगवान जी, कई बार बिना अच्छा के भी इंसान कोई पाप कर्म कर देता है, बुरा काम कर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसको बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। देखिए, हम सब के साथ कई बार ऐसा होता है। जैसे मान लो आप सोचते हो कि अब मैं अल्कोहल छोड़ दूंगा, आपने अपनी वाइफ को प्रॉमिस भी कर दिया कि कल से मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ पहुँचे, अगला दिन आया शाम को, उन्होंने पीना शुरू कर दी, आप उनका बैठे हुए थे, कब आपने भी एक पैक लगा लिया आपको पता ही नहीं चला, बाद में आपको गिल्ट भी आई, बुरा भी लगा, आपने वाइफ को कहा यार मैंने कोशिश की बट मैं रुक ही नहीं पाया, पता नहीं क्या हो गया, तो उस सिचुएशन में आपको धक्का सा लग गया, है ना। आपने मान लीजिए घर पे ये प्लानिंग की थी कि आप फाइनेंसिस को सेव करोगे, तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग की बड़ी आदत है, तो आपने प्रॉमिस कर दिया था अपने हस्बैंड को कि अब मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करूँगी, लेकिन फिर अगले दिन आपका टाइम जब आया, जब आप फ्री हो गए किचन से, आप चीज़ें स्क्रॉल करना शुरू हो गया, आपने सोचा कि नहीं शॉपिंग नहीं करूँगी, बस देखूँगी, कब देखते देखते कुछ चीज़ें सेल पे लगी थी, आप टिक टिक करते गए और आपने फिर से खर्चा कर दिया, वो चीज़ें मंगवा ली जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी आपको, बाद में बुरा भी लगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान करना तो नहीं चाहता, बट कई बार वो ऐसा उस दलदल में फंस जाता है या वो चीज़ें उनको किस तरह से खींच लेती है, कई बार वो चीज़ करने का धक्का लगता है। अर्जुन का क्वेश्चन ये है, समझिए इस बात को, कई बार ना चाहते हुए भी हम बहुत सारे गलत कार्य कर जाते हैं। सच में ऐसा लगता है कि कोई फोर्स है, कोई चीज़ है जो हमें उस नेगेटिव तरह खींच रही है। हम कई बार कितना कुछ छोड़ना चाहते हैं, बुरी आदतें हैं, बट नहीं छोड़ पा रहे होते, कुछ ऐसा धक्का सा लग जाता है हमें। क्या आप जानना चाहेंगे वो क्या चीज़ है जो कई बार हमें मजबूर कर देती है, गलत रास्ते की तरफ खींचती है? उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वर्स में भगवान जी हमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या उसका कारण है नेक्स्ट फ्यू वर्सेस में, और फिर उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे हम उससे बाहर निकलें। श्रीमद्भागवद गीता की जय।